सो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हमने पिछले काफ़ी वीडियोस में काफ़ी बैक्टीरिया डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारे पास जो डिस्कस करने के लिए बैक्टीरिया है वो है स्पायरोकिट्स। हम इसमें तीन बैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं स्पायरोकिट्स का मतलब क्या होता है। स्पायरो मीन होता है कॉइल्ड एंड हेयर, किट्स का मतलब होता है हेयर। दे लुक लाइक कॉइल्ड हेयर, इस तरह आपको अपीरेंस इनका दिखेगा। फिर आते हैं इसमें हम तीन जिसको डिस्कस करने वाले हैं वो है, पहला है ट्रेपोनिमा पेलिडम जो कि कॉज करवाता है सिफिलिस। आपने नाम इसका सुन रखा होगा। दो नए आपको नाम लग रहे होंगे, बोरेलिया एंड लेप्टोस्पायर, तो इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं ट्रेपोनिमा पेलिडम के बारे में। ट्रेपोनिमा का मतलब होता है टर्न हेड, टर्न होते थोड़े से, एंड पेल स्टेनिंग, ये आपको ग्राम स्टेनिंग में इतने अच्छे नहीं दिखते हैं इसीलिए पेलिडम, पेलिडम, पेल स्टेनिंग। इसमें हम डिस्कस जो करेंगे वो इसकी मॉर्फोलॉजी करेंगे, किस तरह से दिखते हैं, कल्चर कहाँ करते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन, एंटीजेनिक स्ट्रक्चर, टॉक्सिन्स, पैथोजेनेसिस एंड लैब डायग्नोसिस। सबसे पहले आ जाते हैं मॉर्फोलॉजी की तरफ। मॉर्फोलॉजी में है ये थिन, जैसा कि कहा, हेयर लाइक अपीयरेंस। डेलिकेट होते हैं स्पायरोकिट्स विथ टेपरिंग एंड, इनके जो एंड आपको दिखेंगे वो टेपर्ड दिखेंगे, मतलब यहाँ से आके थोड़े से पतले हो जाएंगे। डू नॉट टेक ऑर्डिनरी बैक्टीरियल स्टेनिंग, मैं कह चुका हूँ ग्राम स्टेनिंग में आपको पेल दिखेंगे। हम यूज़ कर सकते हैं इंडिया इंक इनके लिए या फिर सिल्वर इम्प्रेगनेशन मेथड जो कि होते हैं फ्रंटाना एंड लिविडिटी स्टेनिंग। ये आपको नाम याद रख सकते हैं आप, फ्रंटाना एंड लिविडिटी स्टेनिंग। एक और बात जो याद रखने की इसमें है वो है इंडो फ्लेजिलेट्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं। इंडो फ्लेजिलेट्स मीन फ्लेजिला सेल्स के अंदर होंगे। देन आते हैं हम कल्चर में। कल्चर में आपको कल्चर मीडिया इनके लिए नहीं है, ये जस्ट आप इन्हें एनिमल्स में कल्चर करते हैं, जैसे कि हम लेप्री के लिए करते हैं, माइकोबैक्टीरियम लेप्री के लिए। एंटीजेनिक स्ट्रक्चर्स पे आते हैं। एंटीजेनिक स्ट्रक्चर में सबसे पहला होता है स्पेसिफिक एंड सेकेंड वन इज नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक सिर्फ आपको ट्रेपोनिमा में मिलेगा, बाकी नॉन स्पेसिफिक दूसरे स्पायरोकिट्स में भी मिल सकता है। नॉन स्पेसिफिक जो है, नॉन स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो है वो आपके ब्लड में प्रेजेंट होगी, उसका नाम है रीएगिन। इनका जो एंटीजन होता है वो कार्डियोलिपिन जिस तरह से दिखता है, जो कि एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बीफ हार्ट, बीफ के हार्ट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है कार्डियोलिपिन, जिससे ये एंटीबॉडी क्रॉस रिएक्ट करता है। इस एंटीबॉडी का नाम दिया हो गया रीएगिन। इसी का टेस्ट लगाते हैं हम वीडीआरएल में। वीडीआरएल में कार्डियोलिपिन होता है जो कि क्रॉस रिएक्ट करता है इस रीएगिन एंटीबॉडी से, तो हम टेस्ट करते हैं इस एंटीबॉडी को अपने ब्लड में। देन हम आते हैं पैथोजेनेसिस में। पैथोजेनेसिस तो हमने बता चुका हूँ मैं, सिफिलिस करवाता है। तो सिफिलिस के तीन हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सिफिलिस। आप जानते हो ये सेक्सुअल इन्फेक्शन है, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के थ्रू फैलेगा। इनक्यूबेशन पीरियड आपको दिखेगा 10 to 90 days। 90 days सबसे पहले होता है प्राइमरी। प्राइमरी में आपको दिखेंगे पेन लेस, ये बात ध्यान रखें, पेन लेस शेंकर जेनाइटल एरिया पे, और रीजनल लिम्फ नोड भी स्वेलन हो सकते हैं, फिर थोड़े दिन में इसको हील हो जाएगी, हीलिंग्स। आफ्टर 2 to 6 months लेटर सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा, सेकेंडरी सिफिलिस अगर ट्रीट नहीं करते हैं तो। रेशेस ऑन पाम एंड सोल्स जिसको हम बोलते हैं कोंडाइलोमिटा, और साथ में हो सकता है रेटिनाइटिस, मेनिंजाइटिस, अर्थराइटिस। इस सेकेंडरी फेज में ट्रेपोनिमा जो है वो ब्लड में मल्टीप्लाई करता है, ये बात ध्यान रखें। अगर ट्रीटमेंट हो गया फिर ये प्रोग्रेस नहीं करेगा। प्राइमरी में ट्रीट हो गया, उसके बाद अगर ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, प्राइमरी होगा उसके 6 महीने बाद या 2 से 6 महीने बाद सेकेंडरी होगा, उसके बाद होगा टर्शरी। सेकेंडरी के बाद काफ़ी 70% में क्योर्ड हो जाता है खुद ही, अपने आप ही, बस 30% में रिलैप्स करके टर्शरी सिफिलिस कर सकता है, जिसमें आपको दिखेंगे सीवीएस लीजन्स, एन्यूरिज्म हो सकता है, ग्रेन्यूलोमा फॉर्मेशन हो सकता है, और मेनिंगोवास्कुलर मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं, जैसे न्यूरोसिफिलिस हो सकता है। न्यूरोसिफिलिस में आपको होगा जनरल पैरालिसिस, मतलब आपकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो सकती है। देन आते हैं हम लैब डायग्नोसिस में। ये पैथोजेनेसिस इसकी इंपॉर्टेंट थी, ये आपको ध्यान रखनी होगी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अब जो हम डिस्कस करते हैं वो है लैब डायग्नोसिस, किस तरह से हम लैब में टेस्ट कर सकते हैं।
तो हम सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं ट्रेपोनीमा का, इन ट्रेपोनीमास देख सकते हैं ब्लड में डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी के थ्रू, इंडिया इंक के थ्रू। डायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी स्टेनिंग फॉर टी पेलिडम भी आता है, फ्लोरोसेंट स्टेनिंग भी होती है इसकी। सीरोलॉजिकल टेस्ट ताकि एंटीबॉडी हम देख सके, तो नॉन ट्रेपोनिमल टेस्ट डिटेक्शन ऑफ नॉन स्पेसिफिक एंटीजन एंटीबॉडी रिएगिन को हम टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया दो होते हैं टेस्ट, VDRL वेनेरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी एंड रैपिड प्लाज्मा रिएगिन, दो टेस्ट है जिसमें हम नॉन ट्रेपोनिमल टेस्ट लगाते हैं। ट्रेपोनिमल टेस्ट सिर्फ ट्रेपोनिमा के लिए हम जो टेस्ट लगाते हैं वो आपको नाम ही याद करने हैं, क्योंकि इनकी आप प्रोसेस करने जाओगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। TPHA ट्रेपोनिमा पेलिडम हीमएग्लुटिनेशन ऐसे मोस्ट कॉमनली यूज होता है। FTABS फ्लोरोसेंट ट्रेपोनिमा एंटीबॉडी ऐसे, TPI ट्रेपोनिमम पेलिड इम्यूनो मोबिलाइजेशन ऐसे, बस नाम आपको याद रखने हैं इनके। यहाँ पे अपना ट्रेपोनिमा खत्म होता है। अब हम आते हैं बोरेलिया की तरफ, जो कि सेकेंड हमारा स्पायरोकिट है। बोरेलिया में एक स्पीसीज जो इम्पोर्टेंट है वो है रिकरेंट रिनिटिस, ये करवाती है आपको रिलैप्सिंग फीवर। रिलैप्सिंग फीवर कैसे होगा, फीवर हुआ 3 से 5 दिन, उसके बाद चला गया 4 से 10 दिन, उसके बाद फिर हुआ, ऐसे करके आपको 3 से 10 साइकिल दिख सकती है इसे रिलैप्सिंग फीवर में। नाम याद रखना है रिकरेंटिस, और ये करवाता है रिलैप्सिंग फीवर। सेकेंड है बोरेलिया विंसेटी, जो कि अल्सरेटिव जिंजो वो स्टोमेटाइसिटिस कराता है और फेरेंजाइटिस कराता है, तो इन्फ्लामेशन कराता है, इतना ज़रूरी नहीं है। तीसरा है बर्गेटो फेरी, जो कि लाइम डिजीज करवाता है। नाम याद रखना है कौन सी डिजीज करवाता है ये याद रखना है। 3 पढ़े हमने, रिकरेंटिस विंसेटी, रिकरेंटिस रिलैप्सिंग फीवर, विंसेंटी एंड बर्गेटो फेरी, जो कि लाइम डिजीज करवाता है। थर्ड हम आते हैं हमारे स्पायरोकिट पे, जो कि है लेप्टोस्पायरा। इसमें एक स्पीसीज है इंट्रोगंस, जो कि लेप्टोस्पायरोसिस करवाती है एनिमल्स में, कौन से, मोस्टली रोडेंट्स में। अगर इन ह्यूमंस में इन्फेक्ट करता है तो हम उसे कहते हैं विल्स डिजीज, जिसमें होगा जब सीवियर होता है, नॉर्मली नहीं, सीवियर केसेस कॉज विल्स डिजीज, फीवर, कंजक्टिवाइटिस, एल्बुमिनिया, जॉन्डिस एंड हेमरेज। सो यही था यहाँ तक हम लेप्टोस्पायरा एक ही स्पीसीज में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप हमें कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें तो हमें आप इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करेगा मेडिको गुरु सर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।